बालबोध पाठमाला भाग एक के आधार से देव दर्शन की विधि, इसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। देव दर्शन की विधि के संदर्भ में कल तक हमने बात की है, उसमें जिन विशेष बातों को देखा है उसमें एक तो निस्सही शब्द का उच्चारण, जिन मंदिर में प्रवेश करते समय हमारे द्वारा निस्सही 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 शब्द का उच्चारण होना चाहिए, और निस्सही शब्द का अर्थ क्या होता है, सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, सभी सांसारिक कार्यों का निषेध करके मंदिर में प्रवेश करना, यह निस्सही शब्द का अर्थ है। कल से कुछ लोगों ने असही शब्द के बारे में भी पूछा। निस्सही तो अंदर प्रवेश करते समय, और पहले ऐसा भी कुछ लोगों से सुना था कि असही शब्द का प्रयोग भी होना चाहिए। हमारे को कहीं पढ़ने में तो आई नहीं है बात, लेकिन कुछ अर्थ इस प्रकार का लगाते हैं कि दोपहर के समय, रात्रि के समय, जिस समय मंदिर में कोई नहीं हो, ऐसे समय में जब हम जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निस्सही 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 शब्द के उच्चारण को सुनकर अंदर यदि कोई देव, भवनवासी, जंतर, ज्योतिष, ऐसे कोई देव, क्योंकि वैमानिक देव तो इस काल में, इस पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में आते नहीं हैं, इसलिए भवन त्रिकों में से यदि कोई देव वहाँ भक्ति कर रहे हों, आराधना कर रहे हों, जिन मंदिर में जिनेंद्र देव की वेदी के सामने बैठे हों, तो हमारे निस्सही शब्द के उच्चारण को सुनकर वे निकल जाएं, ऐसा अर्थ हमने बहुत सालों पहले सुना था। निस्सही शब्द का अर्थ तो निकल जाना है, लेकिन क्या निकल जाएं? तो देवों के निकल जाने की बात है, या अपने चित्त में से घर गृहस्थी व्यापार आदि संबंधी परिणामों के निकल जाने की बात है? तो निस्सही का अर्थ निकल जाएं, और जब वापस दर्शन करके निकल रहे हों, बहुत सालों पहले हमने सुने थे ये शब्द किसी विद्वान से, तो वापस निकलते समय हम असही असही शब्द का प्रयोग करें जिससे वे देव वापस आ जाएं, कुछ ऐसी उपयोगिता सी लगती नहीं है, क्योंकि ये बात कहने और बोलने की कुछ उपयोगिता नहीं लगती, लेकिन निस्सही शब्द का उच्चारण तो निश्चित रूप से इस बात को बतलाता है कि हमारे मन में किसी भी प्रकार के बाह्य विकल्प नहीं आने चाहिए। ये दहलीज पर बोल दिया हमने, जिन मंदिर की दहलीज को क्रॉस करते समय, अंदर आते समय हमारे माध्यम से ये शब्द निकले, जिससे हमने स्वयं ने अपने चित्त में, अपने मन में इस बात का संकल्प किया
कि अब मेरे मन में कोई भी इधर उधर की बातें नहीं आएगी। फिर देखिए इसी तरह एक बात और, मंदिर में घंटा बजाने संबंधी, मंदिर में घंटी बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए? रात्रि के समय तो निश्चित रूप से नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि रात्रि में बजाने से हो सकता है वहाँ जो जीव मौजूद हो उन जीवों की हिंसा का भी दोष लग सकता है, और उसकी ध्वनि से जो छोटे छोटे से जीव इधर उधर विचरण कर रहे हैं उनकी भी विराधना हो सकती है। रात्रि में प्रदक्षिणा भी नहीं लगानी चाहिए, माने रात्रि के समय जितना कम से कम आरंभवादी हो, जितना कम से कम हिलना डुलना चलना गमन करना जितना कम हो उतना अच्छा है। कम लाइट हो, कम रोशनी हो और कम से कम चले। मंदिर जाना है, दर्शन करना है, सायंकाल बैठ गए, बैठ करके हमने दर्शन कर लिए, साधना कर ली, पाठ कर लिया, स्तुति बोल ली, जो भी हमारे नित्य क्रम के कार्य हैं वो सब हम वहाँ बैठ करके कर सकते हैं, किंतु ज़्यादा चक्कर लगा रहे हैं, भाग रहे हैं। और आजकल तो प्रदक्षिणा के नाम पर 3 प्रदक्षिणा, क्या 108 प्रदक्षिणा लगाते हैं, कहीं तीर्थ क्षेत्रों पर चले जाओ तो लोग भागते दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। चाहे वो महावीर जी चले जाओ, चाहे पदमपुरा चले जाओ, माने जो ऐसे क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर हमें ऐसे लगता है कि जितने ज़्यादा हम चक्कर लगाएंगे उतना ज़्यादा कुछ भला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। 3 बहुवचन का सूचक है, पर्याप्त है, और फिर आप उसके गिनने में ही लगे रहते भगवान की तरफ, तो आपका ध्यान नहीं, कितने राउंड पूरे हो गए हैं। असली उद्देश्य तो हमारा अपना काल भगवान के सानिध्य में बिताना है ना। दर्शन करने का मूल प्रयोजन क्या है वो उपदेश इन्होंने नीचे दिया है अंतिम शब्दों में, कल अपन ने अंतिम चरणों में पढ़ा था। मैं कोई प्रदक्षिणा का विरोधी नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं प्रदक्षिणा लगाई जानी चाहिए, लेकिन प्रयोजन लक्ष्य में रखकर। जितने लोग भागते दौड़ते दिखाई देंगे ना, सच कह रहा हूं, आप यदि उनसे पूछो नहीं और उनकी लाइफ में देखो तो कोई ना कोई संकट आया हुआ होगा। सही कह रहा हूं, ऐसा ही लगता है, डरते हैं, हमें ऐसा लगता है भगवान बचा लेंगे, ऐसा करने से हमारा भला हो जाएगा, इसलिए भागते हैं, इसलिए दौड़ते हैं। एक हाथ में माला होती है, नीचे जीवों की हिंसा हो रही है, जीव मर रहे हैं और चले जा रहे हैं, किसी को टक्कर लगा रहे हैं, किसी को धक्का, क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसलिए हम मंदिर आए? एक और, प्रदक्षिणा के दौरान जो अपनी मुख्य वेदी होती है उस वेदी को भी स्पर्श करते हैं बहुत से लोग, क्या, और ऐसा लगता है कि भगवान की वेदी को पीछे से स्पर्श करके उसे अपने सर पर लगाएं तो शायद कुछ भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। ऐसी परंपरा बहुत लंबे समय से चल रही है, हम भी सैकड़ों लोगों को देखते हैं, बचपन से हम भी करते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर ये क्या है ये चक्कर। फिर बहुत जब गहराई से देखा तो हमें लगा कि भगवान का जो गर्भगृह होता है, मुख्य स्थान जहाँ भगवान की प्रतिमाएं जहाँ रखी होती है या वेदी है, उस वेदी को हम बिना नहाए धोए हुए, बिना धोती दुपट्टे पहने हुए छू नहीं सकते, ये बात हमारे ख्याल में आती है। तो हम कैसे उस वेदी को स्पर्श करें यदि हम अपवित्र अवस्था में हैं? तो प्रदक्षिणा, क्योंकि वो ऊर्जा का केंद्र है, ध्रुव है ना, 3 लोक के नाथ जहाँ बैठे हुए हैं वो ध्रुव हैं, अचल प्रतिमाएं हैं, मूल नायक प्रतिमाएं हैं, स्थिर प्रतिमाएं हैं, वो ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है, और वहाँ चक्कर लगाना, प्रदक्षिणा लगाना, वो ध्रुव की प्रदक्षिणा लगाने जैसा है। वास्तव में जो कीमती हो, बहुमूल्य हो, जिनकी कीमत हो, जो सम्माननीय हो, जो आदर्श हो, जो पूज्य हो, उनकी प्रदक्षिणा लगाई जाती है। हिंदू संप्रदाय में गणेश जी के माध्यम से माता पिता की प्रदक्षिणा की बात कही गई है ना, पृथ्वी के चक्कर लगाने संबंधी बात हिंदू परंपरा में ऐसा कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा है, मेरु पर्वत आदि की प्रदक्षिणा देते हैं, ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंच मेरुन की सदा। किधर से देते होंगे प्रदक्षिणा, कैसे लगाते होंगे राम? जब वे ज्योतिषी देव
सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारों के रूप में मौजूद देव, वे जब मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते हैं तो वो ध्रुव अचल मेरु पर्वत वो हमेशा उनके राइट हैंड साइड में रहते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैंने कल भी कहा था, लेकिन कुछ उपयोगी नहीं है, बताने से कुछ प्रयोजन भी नहीं है। जैसे समझिए आप फेरों के पहले तक, सातवें फेरे के पहले तक, छठे फेरे तक लड़की राइट हैंड साइड में बैठती है, और अब क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड साइड में आ गई। फेरों के पहले यदि कोई रिसेप्शन है तो लड़की राइट साइड में बैठी हुई होगी, और फेरों के बाद यदि कोई उनको जाकर के बिठाया गया है वहाँ तो लेफ्ट साइड में होगी। पूज्य वामेतर हस्ते, मैंने ऐसा कल एक नियम बतलाया था आप सभी को। खैर, प्रदक्षिणा संबंधी बात हुई, निस्सही संबंधी बात हुई, इसके अतिरिक्त मंदिर में घंटा बजाने संबंधी बात। मुझे तो लगता है मंदिर में जब घंटा बजाया जाता है तो आप लोगों ने सबने महसूस किया होगा उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़ कुछ देर तक गूंजती रहती है। वो तो क्या संदेश दे रहा है, एक बार घंटी बजी टन तो उसकी जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो गूंजती है ना कुछ देर तक। मानो वो मंदिर में बजने वाली घंटी वो हमें इस बात का संदेश दे रही हो कि हे जगत के जीवों, तुम मंदिर में आए हो। वो घंटी संदेश दे रही है, तुम मुझसे ही ये सीख लो कि जब यहाँ से बाहर निकलो तो कुछ देर तक जिन मंदिर की गूंज तुम्हारे दिलो दिमाग में मौजूद रहनी चाहिए। बहुत देर तक भले ही न सही, लेकिन कुछ देर तक तो ये चर्चाएं, ये बातें, ये वस्तु स्वरूप की बात, ये आत्मा परमात्मा की बात, परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, मैं प्रभु के सामने क्या बातें कहकर के आया हूँ, जन्मवाणी में क्या बातें पढ़ी है, सुनी है, ये बातें कुछ देर तक तो हमारे दिलो दिमाग में घूमनी चाहिए। वो जड़ अचेतन निर्जीव होकर के भी वो घंटा हमें ये संदेश दे रहा है। ऐसी कुछ बातें हैं, और अंतिम पंक्तियां जो कल अपन ने यहाँ पढ़ी थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो याद रखने योग्य है। अष्टांग के बारे में भी कल मैंने कहा था, आठ अंग कौन कौन से हैं, सर्वांग झुकाने की बात है जिनेंद्र देव के सामने। चलिए यहाँ आ जाइए, बालभूत पाठ वाला भाग एक और पाठ चार, पेज नंबर पाठ चार पेज नंबर 13, 13 पेज पर नीचे के दो पैराग्राफ है ना। कल पढ़ तो दिए थे मैंने, कुछ चर्चा कर लेंगे अपन, आगे तो बढ़ना ही है। यहाँ क्या लिखा है, जो शास्त्र में पढ़ा हो, मिल गया ना, जो शास्त्र में पढ़ा हो, इसका मतलब शास्त्र में पढ़ना भी जरूरी है। देव दर्शन के काल में दर्शन की विधि तभी पूरी होगी। हमने देखा है ऐसा बहुत से लोगों को, पुराने समय में ऐसा भी देखा हमने, हमारे दादी जी वगैरह मंदिर में बैठते थे तो जब तक तत्वार सूत्र नहीं सुन लेते थे, सूत्र जी का पाठ नहीं सुन लेते थे, तब तक मंदिर से घर नहीं आते थे वापस, मंदिर में बैठे रहते थे। कि और कभी हम पूछते थे आज देर कैसे हो गई, तो जवाब ये मिलता था कि कोई सुनाने वाला ही नहीं आया। इसका मतलब जब तक मंदिर में बैठकर सूत्र जी का पाठ नहीं सुन ले, पढ़ना नहीं आता था उसके बावजूद भी, लेकिन वो सुनने की परंपरा, वो पद्धति, मंदिर में बैठकर के कुछ देर स्वाध्याय करें, कुछ देर पढ़ें। अब प्रश्न ये खड़ा होता है क्या पढ़ें, क्या स्वाध्याय करें, कहाँ से शुरू करें, ये भी लोगों के चित्त में प्रश्न उठता है। एक कि साहब हम शुरू कहाँ से करें, बेटा किताब जमीन पर नहीं, मैंने कहाँ से शुरू करें अपन, प्रथमानुयोग से शुरू करें कि चरणानुयोग से। चार अनुयोग हैं शास्त्रों में, आगे आएगी चर्चा धीरे धीरे, चार अनुयोग कौन कौन से हैं, उनमें किस शैली का प्रयोग किया गया है, किस तरह का प्रतिपादन किया गया है, सब करेंगे अपन बात। लेकिन कहाँ से शुरू करें, तो मैं कहता हूँ जो समझ में आए वहाँ से पढ़ो, लेकिन ध्यान रखना जो भी पढ़ना शुरू करो वो प्रारंभ से पढ़ना, और जो भी पढ़ना शुरू करो उसे धीरे धीरे करके पूरा करना। ऐसा नहीं आज जो किताब हाथ में आ गई आज वो पढ़ लिया हमने, कल जो किताब हाथ में आ गई उसको पढ़ लिया, जो पेज खुल गया उसे पढ़ लिया, आधा एक पेज कहीं से भी पढ़ा और चले गए, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। अधूरा ज्ञान सदा नुकसान, ये दिमाग में रखना, अधूरा ज्ञान यदि होगा तो हमेशा नुकसान होगा। इसलिए या तो कुछ देर बैठकर स्वाध्याय करें,
और यदि मंदिर में स्वाध्याय चल रहा हो तो बैठ करके सुने। और फिर क्या करें कि थोड़ी देर बैठकर मनन करना चाहिए तथा सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, क्या मनन करना चाहिए? जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए आए हैं, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। हे जिनेंद्र देव, आप कौन हो? आप परमात्मा कैसे बन गए? थोड़ी बहुत हिस्ट्री की जानकारी हमें होनी चाहिए, इतिहास की जानकारी हमें होनी चाहिए। जब हम भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को देखते हैं, जब हम आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, तो हमें उनका इतिहास ध्यान आना चाहिए, उनकी जीवनी ध्यान आनी चाहिए, उनका परिचय ख्याल में होना चाहिए। ये भगवान कैसे बने, कौन थे भगवान महावीर स्वामी, जानते हैं आप? पहले किस अवस्था में थे? शेर थे ना भगवान महावीर स्वामी, शेर थे ना पहले। और हम कौन है? हम तो इंसान है, हम तो मनुष्य है। और वो इंसान थे कि जानवर थे? और वो पशु थे और परमात्मा बन गए, पशु से परमेश्वर बन गए। तो हम मनुष्य होकर के परमात्मा नहीं बन सकते? हमसे तो खराब स्थिति थी ना उनकी, उनसे तो बहुत अच्छे हैं ना हम। और क्या कर रहे थे वो सबको पता है, हिरण को फाड़ के खा रहे थे। हिरण को फाड़ कर खाती हुई अवस्था से भी जब वे सुधर कर भगवान महावीर बन सकते हैं तो हमारी स्थिति तो उनसे बहुत अच्छी है। ये बातें उन्हें देख करके याद आनी चाहिए। जब हम अर्घ समर्पित करते हैं, देवशास्त्र गुरु का अर्घ बोलते हैं और उसमें ये बात बोलते हैं कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। बोलो कैसे भाव आने चाहिए जब ये पंक्तियां हमारे मुख से निकलती हैं? यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। कितनी पुरानी पूजन है, बहुत पुरानी पूजाओं में से एक है। निश्चित ही हे जिनेंद्र देव, आपके समान अरहंत अवस्था की प्राप्ति करूंगा। ये दर्शन करते समय हमारे को ख्याल में आनी चाहिए बात। स्वाध्याय में ये बात पढ़ी है हमने, जीव कौन है, अजीव कौन है, नहीं पढ़ी आपने? नहीं जानते साध्य? अब पढ़ेंगे, है ना? अभी बताएंगे, जीव अजीव की बात भी बतलाएंगे। लेकिन ये कुछ चिंतन होना चाहिए, मैं कौन हूं? वर्षों से विचार कर रहा हूं, मैं कौन हूं? बालक हूं? मैं बिजनेसमैन हूं? यदि मैं बिजनेसमैन हूं तो बिजनेस तो मैंने अभी शुरू किया है, 5 साल से 15 साल से, और मैं कब से हूं? अरे मैं तो पहले भी था, बचपन में भी था ना जब मैं बिजनेस नहीं करता था। इसका मतलब मैं बिजनेसमैन हूं ये सच्चाई नहीं है क्या? मैं बिजनेसमैन हूं ये यथार्थ बात नहीं है, यह हकीकत नहीं है। गजब हो गया, तो कौन हूं मैं? जवान तो हूं कि युवा अवस्था भी सजा से नहीं है, तो मैं बालक तो हूं कि बालक अवस्था हमेशा नहीं रहेगी। इसका मतलब मैं कुछ और हूं, ये विचार करना पड़ेगा हमारे को, शास्त्र में पढ़ा हो या प्रवचन में सुना हो उसके बाद। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं स्वयं परमात्मा कैसे बन सकता हूं? मैं पुजारी हूं और वो पूज्य हैं, वे पूज्य क्यों हो गए हैं, वे परमात्मा क्यों हो गए हैं, वे तीन लोक के नाथ क्यों हो गए हैं? मैं भक्त हूं और वे भगवान बन गए हैं, तो आखिर वे भगवान कैसे बन गए? इस बात का विचार होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। भक्त नहीं भगवान बनने की बात कर रहे हैं, आदि आदि इन बातों का विचार कब होना चाहिए? विचार देव दर्शन के उपरांत, देव दर्शन की विधि में शामिल है ये चर्चा। इतना ही नहीं, इन सबसे लाभ क्या है ये भी तो बताओ। हम कर लेंगे चिंतन, हम कर लेंगे विचार, लाभ क्या मिलेगा इसको? और फिर देखो, जब कभी हम इस तरह की बातें कहते हैं तो कुछ लोग हमसे कहते हैं, पंडित जी रोज रोज यही बात है, रोज रोज, अब आज हमने विचार कर लिया, अब कल फिर यही बात, फिर दोबारा यही बात, रोज रोज। तो हम आपसे पूछते हैं, रोज रोज क्या नहीं करते आप? रोज पेस्ट करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज रोटी सब्जी, रोजाना वही मोबाइल, रोजाना वही नमोकार मंत्र। आखिर दर्शन करते समय भी तो रोजाना वही पाठ बोलते हैं, रोजाना वही पूजा करते हैं,
आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये चिंतन तो तब तक चलना चाहिए जब तक हमें हमारे इष्ट की उपलब्धि ना हो जाए, जब तक हम जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति ना हो जाए। ये विचार और चिंतन तो सदा काल चलना चाहिए। दुकान पर बैठ करके रोजाना ग्राहकों के बारे में नहीं सोचते हैं आप? रोज एक ही बात, रोज पैसा, रोज पैसा, पैसा पैसा पैसा, रोज 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 एक ही बात, थकते नहीं हैं आप कभी उससे? तो फिर यहाँ क्यों सोच रहे हैं? ये खुराक अपने लिए है। एक पाठ आगे बढ़कर जब हम दिनचर्या वाले पाठ की बात करेंगे, इसके आगे तो पाठ है जीव अजीव वाला, और उसके बाद में एक पाठ दिया है दिनचर्या, तो उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। ये खुराक है हमारी, ये होना चाहिए। ये चिंतन हमारी खुराक है। दुनिया के काम तो हमारे हिसाब से होते नहीं हैं, लेकिन विचार ये हमारे हाथ में, चिंतन ये हमारे हाथ में है। ये असली चीज़ है, ये मूल चीज़ है। जो नहीं हो रहा है काम, और बाकी सब काम हो रहे, अकेला यही काम नहीं हो रहा है। देखो इससे लाभ क्या होगा, मंदिर आने से क्या लाभ मिलता है? जब हमने दो चार दिन पहले ऐसी बात कही थी आप लोगों से कि भगवान कुछ देते नहीं है, नहीं देते हैं ना भगवान, तो कई लोगों के चेहरे ऐसे दिख रहे थे, फिर मंदिर आने से क्या लाभ, क्या करें फिर मंदिर आकर के, भगवान कुछ देते तो है नहीं। अच्छा भगवान कुछ भी नहीं देते हैं तो फिर मंदिर आने से हमें क्या मिलेगा है? क्यों आए हम मंदिर? तो ये मंदिर आने से होने वाले लाभ बतला रहे हैं, याद होनी चाहिए भाई साहब। छोटी छोटी सी चीजें हैं, पूछूंगा मैं आप लोगों को, बताया कि नहीं मैंने, परीक्षा लूंगा मैं क्या? सारी परिभाषाएं याद होनी चाहिए, जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं वो सब बातें याद होनी चाहिए आपको। घबराना मत, क्या होगा पता नहीं। देखो इससे आत्मा में शांति प्राप्त होती है, किससे? मंदिर आने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, शांति मिलती है, मंदिर में शांत वातावरण रहता है। लेकिन इतनी शांति भी अच्छी नहीं कि नींद आने लग जाए। बहुत से लोग तो, अरे प्रवचन सभाओं में कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मानो सोने के लिए आते हैं। अपने यहाँ तो नहीं दिखते हैं इतनी बड़ी सभा में भी कोई लोग है, लेकिन लोगों को ऐसे लगता है ऐसी शांति घर में कहाँ। छुट्टियाँ चल रही है, बच्चों की भाग दौड़ चल कूद, टीवी ये वो टेलीफोन दुनिया भर की झंझटें, यहाँ आओ कुछ नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण मंदिर का, और पौन घंटे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और आंखें बंद करो और थोड़ा सा गर्दन हिलाते रहो जिससे दूसरे को भी लगे जग रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं भाई साहब आत्मा में शांति मिलती है, शरीर का आराम नहीं, बात सोने की नहीं है, बात देह के आराम की नहीं है। मंदिर जाने से लाभ क्या है? आत्मा में शांति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, परिणामों में निर्मलता आती है। मंदिर आते हैं तो कषाय के भाव नहीं रहते, मंदिर आते हैं तो राग द्वेष के भाव नहीं रहते, मंदिर आते हैं तो लड़ाई झगड़े के भाव नहीं होते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति मंदिर झगड़ने के लिए नहीं आता, ये बात अलग है कि आने के बाद झगड़ लेता हो, लेकिन झगड़ने के लिए तो मंदिर नहीं आया था। माने मंदिर झगड़े निपटाने का स्थान है, मंदिर में पाप नहीं होना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। मंदिर में जो लोग आते हैं एक दूसरे के प्रति सरलता सहजता वात्सल्य का परिणाम होना चाहिए, द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है उनका और आपका साथ साधी अनंत काल का साथ है। साधर्मियों का साथ बहुत लंबा साथ हुआ करता है, द्वेष नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, हिंसा नहीं हो, झूठ नहीं हो। मंदिर में आकर के किसी भी प्रकार का पाप हमारे माध्यम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध कथन है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में यदि कोई पाप किए हो तो जिन मंदिर आकर के वे पाप धुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और यदि जिन मंदिर में आकर के कोई पाप किया हो तो अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे? वज्रलेपो भविष्यति, भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अरे पूर्व के नमालूम कब कब के किए हुए पाप जिन मंदिर में आने के परिणामों मात्र से, सिर्फ परिणाम मात्र आया मंदिर आने का, इतने परिणाम मात्र से आपके पहले के किए हुए पाप कर्म संक्रमित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, आपको पता नहीं है कितना बड़ा चमत्कार होता है। और फिर उसके बाद भगवान को सुनाना नहीं, भगवान की जैसे ही सुनना चालू किया
चमत्कार होने लग गए जीवन में, बदल जाएगा जीवन, आपको पता ही नहीं लगता है। मुझे मालूम है जब जब चमत्कारों की चर्चा चलती है तो लोग ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं कि बहुत बड़ा संकट आ गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और अब तो चमत्कार तब दिखे जब मंदिर आने से डॉक्टर कहे कि सब नॉर्मल है, तब लगता है हमारे को कोई चमत्कार हो गया। बहुत बड़ी आफत हमारे ऊपर आ गई हो और सब कुछ निकल जाए, निपट जाए, तो हमें लगता है कि अब कुछ ना कुछ चमत्कार हो गया है। लेकिन तुम्हें ये चमत्कार नहीं दिखता कि वो परेशानियां आपके ऊपर आई ही नहीं, ये चमत्कार नहीं दिखता है। संकट आया नहीं और चला गया तो आपको लगता है कुछ चमत्कार हुआ है। आप ये क्यों अपेक्षा रखते हैं कि डॉक्टर पहले तो आपकी बॉडी में कैंसर डिक्लेयर कर दे और फिर उसके बाद में रोजाना मंदिर आने से फिर कहे कि नहीं अब कैंसर ठीक हो गया। आप ये क्यों अपेक्षा रखते हैं? अरे अंदर में जो कैंसर के परमाणु पनप रहे थे, जिन मंदिर आने के परिणामों से, स्वाध्याय के परिणामों से, वे परमाणु अंदर के अंदर बदल जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक उदाहरण है, मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और एक शेर उन मुनिराज पर आक्रमण करने के लिए दौड़ता हुआ आया। सुना है साहब? हार जब वो शेर दौड़ता हुआ आया मुनिराज पर आक्रमण करने के लिए, और दूसरे साइड से उसी रात्रि के घने अंधकार में उस जंगल में एक जंगली सुअर वो मुनिराज की रक्षा करने के भाव से शेर का सामना करने के लिए आ गया, और दोनों लड़ते रहे रात भर, रात भर लड़ते रहे, दोनों एक दूसरे को पीटते रहे, दोनों लहूलुहान हो गए। शेर ने सुअर को मार दिया, जंगली सुअर को, और सुअर ने शेर को मार दिया और दोनों मर गए। क्या हुआ होगा? एक मरकर के स्वर्ग में चला गया और दूसरा मरकर के नरक में चला गया। कौन गया होगा स्वर्ग में? शेर नहीं, सुअर। और शेर कहाँ गया? दोनों ने एक दूसरे की हत्या की, एक स्वर्ग में और एक नरक में, ऐसा क्यों बेटा? एक मारने के लिए जा रहा था और दूसरा बचाने के लिए जा रहा था। जो मारने के लिए जा रहा था वो कहाँ गया? नरक में। जो बचाने के लिए जा रहा था वो कहाँ गया? स्वर्ग में। मुझे ये बात बतलाने के लिए ये कहानी नहीं सुनाई है, मुझे तो ये बतलाना है मुनिराज के ऊपर संकट आया कि नहीं आया, ये बताओ। और मुनिराज को इस बात का पता है कि नहीं पता है? मैं तो ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है आपको नए एंगल से, सिर्फ इसलिए कि मुनिराज के ऊपर संकट आने वाला था और रास्ते में ही रुक गया, और मुनिराज को इस बात का पता नहीं है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, दर्शन करने के परिणाम से, स्वाध्याय के परिणाम से, जिन मंदिर आने के भावों से आपके ऊपर, आपके पास में आते हुए संकट दूर से ही गायब हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है, संक्रमित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। दर्शन करने के परिणामों मात्र से इतना लाभ होता है। स्वाध्याय के लाभ 10 लाभ बतलाए टोडरमल्ली साहब ने, इसी मंदिर में बैठ करके लिखे उन्होंने, टोडरमल्ली ने, आज के 300 साल पहले सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में स्वाध्याय करने से तत्काल प्रकट होने वाले 10 लाभ बतलाए। स्वाध्याय की चर्चा करेंगे फिर कभी और बहुत विस्तार से। ये कह रहे हैं बता दो, कशाएं शांत होती है भाई, यशस कीर्ति कर्म का बंद होता है, पाप पुण्य में बदल जाता है, लोकालोक के पदार्थ स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, पाप परिणाम मन में नहीं आते हैं, हिंसादि पापों से दूर बचता है, ज्ञान का विकास होता है, वृद्धि होती है, बहुत लाभ है प्रतिदिन स्वाध्याय करने से। ये प्रतिदिन स्वाध्याय करने से आप कल्पना नहीं कर सकते हो, डे बाई डे आपके पास ये जो है ना ऊपर टॉप फ्लोर पर ये खजाना कितना बढ़ता चला जाएगा। प्रतिदिन स्वाध्याय का लाभ है ही। कई लोग तो ऐसे भी हैं हिंदुस्तान में जिनको जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते, बाहर वाले तो बहुत लोग हैं जिन्हें दर्शन नसीब नहीं होते, उनकी हम क्या बात करें। भागवत पाठ वाला भाग 3 में जब पहला पाठ हम पढ़ेंगे तो उसमें दर्शन स्तुति लिखी है, अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा दर्शन पाया,
अरे बहुत भाग्यशाली है वे जीव जो प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं, और अभाग्य समझना चाहिए उनको जिनको जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते, जिनको दर्शन करने का परिणाम नहीं आता। जयपुर जैन मंदिरों की नगरी कहा जाता है। जयपुर जैन काशी के नाम से प्रसिद्ध है। सैकड़ों मंदिर हैं, 300-400 मंदिर हैं यहाँ जयपुर में। आसपास के मंदिरों को मिलाओ तो 450 मंदिर तक हैं। लोग पूछते हैं, कई लोग जब बाहर से आते हैं और मेरे से पूछते हैं, पंडित जी हम वहाँ ठहरेंगे जैन मंदिर कहाँ होगा, तो मैं कहता हूँ आप जहाँ खड़े होंगे जिधर भी घूम जाओगे क्या, हर गली मोहल्ले में आपको वहाँ, उसका नाम है जयपुर। आप जानते हैं जयपुर कौन सी जगह है, हम कहाँ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अनेक लोग मेरे चेहरे आंखों के सामने घूम रहे हैं, जो लोग सामने मंदिर होते हुए भी दर्शन करने के लिए नहीं जाते। अब उनके अभाग्य के बारे में क्या कहूँ मैं। आप लोगों के आस पड़ोस में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें दर्शन करने का विकल्प नहीं आता, जिन्हें दर्शन करने का भाव नहीं आता। आप सोचो क्या है समाज की स्थिति, दर्शन करने का भाव नहीं आ रहा है। और दूसरी बात कहूं, एक तो वो लोग हैं जिनको धर्म ध्यान से कुछ मतलब नहीं है और दर्शन करने का भाव नहीं आता, दूसरी तरफ आज कुछ एक विशेष प्रकार के लोग और दिखने लगे हैं जो स्वाध्याय तो बहुत करते हैं लेकिन दर्शन करने का भाव नहीं आता। वो कहते हैं इस क्रियाकांड में क्या रखा है, ऐसे भी बहुत लोग। बड़ी विचित्र स्थिति है। जिनेंद्र देव की पूजन श्रावक के षट आवश्यकों में पहला आवश्यक है, पहला कर्तव्य है, प्रतिदिन जिनेंद्र देव की पूजन करना। दर्शन नहीं, पूजन की बात कह रहे हैं। देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम स्तप है, दानम चेति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। जिनेंद्र देव की पूजन करना। अरे भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं आए, भगवान का भाव नहीं आए। जिन तीन लोग के नाथ के दर्शन करने के लिए आए, महिमा ही नहीं है उनकी अपने हृदय में। सच में समझ लेना, आपके दुख और संकट यदि किसी के बताए मार्ग पर चलने से दूर होंगे तो वे तीन लोक के नाथ हैं जो वेदी पर विराजमान हैं। मर पच करके भी आप दुनिया के कितने काम कर लो, आपके संकटों से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। चारों गति के माही मैं दुख पायो सो सुनो। क्या आज यहां भगवान की पूजन करते समय सुनाते रहो आप, हे प्रभु मैंने ऐसे दुख पाए, ऐसे दुख पाए, ऐसे दुख पाए, नरक में ऐसा हुआ, त्रियंज में ऐसा हुआ, देवगति में ऐसा हुआ, और कोई एक पुण्य संयोग सो कभी स्वर्ग गति मिल गई, मनुष्य गति मिल गई, ये पुण्योदय से कि अब यहाँ कौन सी शांति है, कितनी टेंशन है। बच्चों को बड़े होने की आतुरता दिखती है और बड़ों को लगता है कि बचपन क्यों चला गया, बच्चों को लगता है कैसे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, ये लोग सब कोई भी कुछ भी कह देता है, और बड़ों को लगता है बचपन कितना अच्छा होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको लगता है यार ये सर्विस वाले कितने मजे में हैं, कुछ नहीं अपने 10 से 5 ड्यूटी की और फ्री हैं, ये बिजनेस में टेंशन ही टेंशन है, कितनी झंझट है। जो सर्विस करता है वो सोचता है यार हमारे को तो देखो बहुत से ऊपर, ये कितने मजे में, इनका तो खुद का बिजनेस है, जचे तो गए जचे तो नहीं गए। सर्विस वालों को बिजनेस वाले दिखाई देते हैं, बिजनेस वालों को सर्विस वाले अच्छे दिखाई देते हैं, जो मकान मालिक होता है उसको किराएदार अच्छे दिखाई देते हैं कि यार टेंशन तो नहीं है किराया दिया और मस्ती से क्या। और जो किराएदार होते हैं उनको मकान मालिक अच्छे दिखाई देते हैं, जो नीचे रहते हैं उनको ऊपर अच्छे दिखाई देते हैं, धूप है हवा है रोशनी है सब कुछ है, ऊपर रहते हैं वो अच्छे, और जो ऊपर रहते हैं उनको लगता है नीचे वाले अच्छे हैं यार, ये ऊपर चढ़ने वढ़ने के लिए झंझट नहीं है। सब सबको ऐसा ही लगता है, दूसरों की थाली में घी नजर आता है सबको। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, इस संसार में तो कोई सुखी नहीं है, और यदि कोई सुखी है तो वे कौन सुखी है, या तो महामुनिराज सुखी है जिनके पास में संतोष है, और या फिर कौन सुखी है जिनके दर्शन करने के लिए हम मंदिर में आए हैं वे सुखी हैं। सुख का रास्ता कौन बतलाएंगे, सुखी होने का उपाय कौन बतलाएंगे, वे ही बता सकते हैं जो स्वयं सुखी हो। अनंत सुखी हैं अनंत परमात्मा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो सच्चा सुख प्राप्त होगा, परिणामों में शांति मिलती है। उनको देखते ही अनंत भगवान को देखते ही वितरागता ख्याल में आती है, राग द्वेष रहित परिणाम होते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति का फोटो देखकर वो व्यक्ति याद आता है ना,
और किसी व्यक्ति की फोटो आप देखते ही तब है जब उसकी याद आ रही हो, ऐसा ऐसा भी तो है ना। फोटो देख करके जैसे आपको व्यक्ति याद आते हैं, वैसे ही शेर का चिन्ह देख करके महावीर भगवान क्यों नहीं याद आते। हमने तो बहुत सुनाया, जिस पद्धति की चर्चा चल रही है ये सुनने की पद्धति की बात चल रही है। ये कह रहे हैं अब भगवान की सुनो, भगवान को सुनाओ मत, अब सुनो भगवान की। बोलते हैं भगवान, प्रतिमाएं बोलती हैं, जिनेन्द्र देव वेदी पर विराजमान जो प्रतिमाएं हैं वे बोलती हैं, वे मौन उपदेश देती हैं, वे संदेश देती हैं, सुनने वाला चाहिए। अरे मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती है साहब, छावड़ा ही साहब बोलते हैं। शांतिनाथ भगवान सामने विराजमान, आपके जनता कॉलोनी वाले महावीर भगवान भी बोलते हैं क्या, और ऊपर वेदी पर विराजमान आदिनाथ भगवान भी बोलते हैं, कभी कभी बोल लेते हैं मेरे से जब मूड में होते हैं। एक दिन हुआ ऐसा कि सामने वेदी पर विराजमान थे और मैं जाकर के खड़ा हुआ, मंदिर में कोई नहीं था, दर्शन करने के लिए खड़ा था। एकदम आवाज आई कि क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो। आसपास में देखा यार कोई नहीं दिख रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है, कोई तो दिख नहीं रहा है। और जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी पर तो लगा कि आवाज तो सामने से आ रही है। क्या बोल रहे थे कि क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो, कहते तो रोज वो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। यार कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो, सच बात नहीं है क्या है? जब मैंने थोड़ा सा गहराई में थोड़ा सा अंदर में झांकने की कोशिश की तो लगा ऐसा भक्ति के माध्यम से, स्तुतियों के माध्यम से, पूजाओं के माध्यम से, पाठ के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें और भगवान को भी कुछ ना कुछ खरी खोटी न सुनाते तो भगवान ने भी क्या कह दिया, कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। क्या कहें, मैं कुछ बोलता उससे पहले बोले जानता हूं जानता हूं, सर्वज्ञ है भाई, वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। क्या बोले, जानता हूं तुझ पर है नेतागिरी का असर, इस कारण छोड़ता नहीं बोलने में कोई कसर। क्या नेता है, सुनाया था अपनी अपनी बात, भगवान ऐसा ऐसा ऐसा, हमने ऐसा किया, हमने वहां ये किया वो किया, प्रभु अब तो तेरी शरण में आए हैं, मंझदार में है नैया प्रभु पार लगा देना, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा, खूब खूब सुना दिया हमने भगवान को। तो भगवान ने भी क्या कह दिया, जानता हूं तुझ पर है नेतागिरी का असर, इस कारण छोड़ता नहीं बोलने में कोई कसर। घबरा गया मैं एकदम, डांट लगा रहे हैं मेरे को। मैंने कहा मगर, बोले मगर क्या, भूल गया 84 के चक्कर को, डांट लगाई प्रभु ने। घबरा गया मैं, 84 के चक्कर को याद आने लगे मुझे, 84 के चक्कर की बात सुनकर के चक्कर आने लगे, भूल गया 84 के चक्कर को। मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु, बोले नहीं तो याद रख एक प्रतिज्ञा को। एक प्रतिज्ञा दिलाई उन्होंने मुझे, क्या कहा, बोले याद रखना जो निबोध में सोही तुझ में सोई मोक्ष मजार, कि प्रभु इससे क्या होगा कि जिससे कि तुझे ना आना पड़े उन्हें मेरे पास। कैसा स्वरूप है भगवान को देखो, उनकी मौन मुद्रा कुछ ना कुछ कह रही है, हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमा कुछ कह रही है, उनकी नासाग्र दृष्टि कुछ कह रही है, उनकी शांत मुद्रा शांत छवि कुछ ना कुछ संदेश दे रही है। पढ़ना सीखो, देखना सीखो, समझना सीखो, ये शांति मिलती है उसे देखने से, परिणामों में शांति मिलती है। मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, क्या बातें सुनने को मिलेगी बोलो मंदिर में। आप क्या बातें सुनने के लिए आते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पूजा चल रही होती है, कोई भक्ति बोल रहा होता है, कोई स्तुति कर रहा होता है, कहीं कोई भक्ति हो रही है, कहीं विधान हो रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, क्या शब्द आपके कानों में पड़ते हैं बताओ। जो बातें उन पूजाओं में भक्तियों में स्तुतियों में कही गई है वही शब्द तो कानों में पड़ते हैं ना, और उन सब में आत्मा की चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है, जीव की चर्चा है, भगवान के स्वरूप की चर्चा है, उनकी भीतरात्मा की चर्चा है, ये बातें कान में सुनने को मिलती है। और यदि इन बातों को सुन ले वे, बहुत से लोगों का तो जीवन बदल जाता है मंदिर आने से। जब तक मंदिर नहीं आते थे तब तक पता नहीं कैसा जीवन था क्या, और जब मंदिर आना शुरू किया तो जीवन ही बदल गया।
कैसा जीवन हो गया, उत्कृष्ट जीवन हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में कभी ऐसा प्रसंग न बनने पाए कि जिनेंद्र देव के दर्शन का सौभाग्य ना मिले। 1984 से प्रतिज्ञा थी दर्शन करने की, एक दिन सुना दिया, मम्मी ने 7-8 साल की उम्र थी, बिस्तरों में बिस्किट, नाश्ता, दूध सब ऐसे ही होता था, तो कुछ सुना दिया तो बस गुस्से में गए और मंदिर जाकर के प्रतिज्ञा कराए, क्या कि आप दर्शन किए बिना आगे से कुछ नहीं खाऊंगा। चल पता क्या जो भी है, फिर जब यहाँ से बाहर जाने के प्रसंग बने अमेरिका आदि, तो लगता था कि अब वहाँ तो कहाँ मंदिर होते हैं, पता नहीं क्या प्रसंग होगा, लेकिन भावना उत्कृष्ट थी। तो एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं हुए। ऐसे ही शहरों में जाना हुआ, जहाँ जहाँ जितने शहरों में गए, क्या माने करीब 19 स्टेट में US में गए, लेकिन सब जगह पर जहाँ जहाँ गए जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, जिनेंद्र देव के दर्शन, प्रतिदिन दर्शन, और दर्शन के बाद में ही भोजन आदि ग्रहण करना सब सहज होता है, आराम से होता है। आप भावना तो भाव अच्छी से अच्छी, काम क्यों नहीं होगा। भले 50-50 किलोमीटर दूर हो मंदिर, लेकिन फिर भी प्रतिदिन दर्शन होंगे आपको, भावना भाव आप। जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिले, अब आगे हैं। बम्बई में कई जगह जाते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं, मंदिर दूर है साहब, हम तो संडे की संडे जाते हैं मंदिर। अति पाप उदय थव आया, तुम आया जिन देव दर्शन न पाया। ये आंखें मिली है दर्शन करने के लिए मिली है भाई साहब। उस सेठ की प्रतिज्ञा तो ध्यान ही है आपको, धोबी के गधे के दर्शन की प्रतिज्ञा ले ली थी उसने, है ना, बहुत बार की है अपन ने पहले भी चर्चा, सबने सुनी है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं सुनी हो। मुनिराज ने दर्शन करने की प्रतिज्ञा दिलाई और उसने कहा कि दर्शन वर्शन तो नहीं, अब दूर है, कौन जाएगा, दर्शन कौन करेगा, तुम क्या कर सकते हो बताओ, तुम्हारे आसपास में कौन है, मंदिर तो दूर है, पास में कौन है ये बताओ। बोले पास में तो धोबी रहता है, वो रहता है, कुमार रहता है, सामने ही रहता है बिल्कुल। बोले क्या करता है, वही गधा रहता है उसका, बिल्कुल दरवाजे के सामने ही दिखता है वो मेरे को। बोले ये नियम ले सकते हो कि जब उस गधे को देखूंगा तो उसके बाद भोजन करूंगा। मुझे हाँ क्यों नहीं, ये तो हो सकता है आराम से। उसने गधे के दर्शन की प्रतिज्ञा ले ली, कोई बात नहीं। बोले राज देखो, लेकिन नियम दृढ़ता से नियम को निभाना और पालन करना, उस सेठ ने उसका पालन किया। रोजाना नहा धोकर के तैयार होता, घर के दरवाजे पर आता, सामने गधे को देखता, क्या, और गधे को देख करके फिर अंदर जाकर के नाश्ता करता। फिर क्या होना था, दिन निकलने लगे, प्रतिज्ञा निभने लगी, आराम से नाश्ता भोजन करता। अरे यार महाराज ने ये अच्छा उपाय बतला दिया, मंदिर की झंझट से भी बच गए, दर्शन से भी बच गए, और यहाँ गधे के दर्शन से काम हो रहा है। अब एक दिन कुम्हार सुबह पहले मिट्टी लेने के लिए जंगल में चला गया गधे को लेकर। अब क्या होना था, अब जैसे ही नहा धोकर के बाहर आए तो गधा नहीं, को अब क्या होगा, प्रतिज्ञा ले रखी थी, पूछा आसपास में, पता लगा वो तो जंगल में गया हुआ है, मिट्टी लेने के लिए गया हुआ है, कि कब तक आएगा, कि शाम तक आएगा। अरे यार तो मुश्किल हो जाएगी, अब क्या करें, वहीं चलते हैं अपन, तो वहीं देखाते हैं, घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो दौड़ता हुआ गया वहाँ, परेशान होता हुआ तो गया था, इतनी दूर पहुँचा और वहाँ जाकर के दूर से ही जैसे ही दिख गया, जंगल में भी कहाँ देखे, और दूर से देख करके ही देख लिया, देख लिया, देख लिया, काम हो गया। वापस घूम करके गधे को देख करके वापस आना ही था। और उधर क्या हुआ था कि कुम्हार जब मिट्टी खोद रहा था तो वहां रत्नों से भरा हुआ कलश उसको मिल गया, हीरे माणिक मोती जवाहरात जिस कलश में भरे हुए थे वो मिल गया। और उसने देखा कि वो सेठ कह रहा है देख लिया, उसने जरूर देख लिया होगा, और अब तो ये जाकर के राजा को बता देगा और पूरा का पूरा धन सरकारी खजाने में चला जाएगा, अब क्या करूं। तो कुम्हार सोचता है कि आधा उसको दे देने, और सेठ के पास में पहुंचा और आधा धन सेठ को दे दिया। सेठ भी विचार करने लगा, अरे देखो जब गधे के दर्शन करने, भगवान के दर्शन नहीं किए, गधे के दर्शन से हमारे को इतना लाभ हो गया, तो यदि मैं साक्षात भगवान के दर्शन रोजाना करता तो क्या होता। जिनेंद्र देव के दर्शन रोजाना करना,
भगवान को देख करके भगवान जैसा बनने की भावना जागृत हुए बिना नहीं रहेगी, शांति मिलती है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है जो याद रखने योग्य है। क्या वाक्य है? जिससे आत्मा में शांति होती है मंदिर आने से, परिणामों में निर्मलता आती है, परिणाम निर्मल होते हैं हमारे, कषायें भाग जाती है, विकार भाव चला जाता है, पाप भाव मन में नहीं आता है, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है। अतः यदि हम आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जाएं तो परमात्मा बन सकते हैं, इतना बड़ा लाभ हो सकता है। परमात्मा की शरण में आने का फल परमात्मा बन जाना है। ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है जो दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं है। भक्त नहीं, भगवान बनने की बात है, परमात्मा बनने की बात है। अपने को पहचानो और परमात्मा बन जाओ, अपने को पहचानो और भगवान बन जाओ, तीन लोक के नाथ बन जाओ। ये बात इन्होंने यहाँ देव दर्शन की विधि में शामिल कर ली है। पूरी विधि को एक बार दोबारा पढ़ना, दोबारा देखना, गहराई से विचार करना, उस विधि का पालन करना, और इस तरह की विधि का पालन होगा तो अल्प काल में अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति हमें भी होगी। हम सभी विधि पूर्वक दर्शन करें, इस भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। कल जीव अजीव के संदर्भ में बात पढ़ेंगे। प्रभाव।